मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन योर सब्जेक्ट साइंस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. लास्ट वीडियो में हमने देखा था अबाउट बोन्स. बोन्स आर अवर हार्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ओके, एंड बोन्स एंड मसल्स गिव ए शेप टू अवर बॉडी. अभी देखते हैं मसल्स. लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे ये जो आपको रेड रेड पार्ट दिख रहा है वो हमारे बोन्स के आसपास मसल्स हैं. ओके, सो आवर बोन्स आर कवर्ड विथ मसल्स. मसल्स आर सॉफ्ट पार्ट एंड हेल्प अस टू मूव आवर बोन्स. हमारे हाथ को ऊपर नीचे करने में वो हेल्प करते हैं. ओके, क्योंकि देखो जैसे बैंड होता है फिर उसी पोजीशन में उसको लाना है, तो ऐसे वो रबर बैंड जैसे होते हैं मसल्स, तो वो उनको खींचते हैं और फिर एज इट इज़ पोजीशन में हम उसे ला सकते हैं. देर आर मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी. हमारी बॉडी में 600 से भी ज़्यादा मसल्स होते हैं. बोन्स कितने हैं? More than 200, okay? About 206 bones. Framework, जैसे हमने बोला कि it's give a shape as a framework. Skeleton है वो एक framework है. तो framework क्या होता है? The basic supporting structure that gives something shape, okay? जैसे कि हमारा photographs है, अगर वो ऐसे हम रखेंगे तो वो बेंड हो जाएगा, पर उसे हम फ्रेम में सेट करेंगे तो आप उसे इजीली कहीं पे रख सकते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेमवर्क. तो हमारे बोन्स का जो है, बोन्स जॉइंट होके एक हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है. ओके, फैक्ट ऑफ लाइफ. फाइन, देखो इसमें क्या है. द वर्ड योगा मीन्स टू जॉइन. ओके, योगा इज वेरी एंशियंट प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज टू कीप द माइंड द बॉडी हेल्दी. ओके, हमारे हम योगा करते हैं ना, तो वो एक वर्ड है जिससे हमारी बॉडी को हेल्दी बनाने में और माइंड को शांत करने में हेल्प करता है. ओके, That is one kind of exercise. तो exercise से हमारे bones और muscles strong बनते हैं और हम healthy होते हैं. Exercise and healthy food. देखो हमने बोला कि bones और muscles हमारे body के लिए important हैं. अब उसको healthy रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो दो चीज़ है. एक तो daily exercise. That is very good for our health. Okay? And good food. The bones and muscles are our body work together to help us move, work and play. Okay? ये दोनों मिलके work करते हैं तो हमारी body move होती है, हम play कर पाते हैं और work कर पाते हैं. We need strong bones and muscles for various activities. Okay, देखिए जैसे कि swimming, football, tennis, हम जो game play करते हैं तो हमारे अगर bones और muscles strong है तो ही हम ये कर पाते हैं, वरना थक जाते हैं कोई, right? तो we need more energy. और उसके लिए क्या चाहिए? तो कि regular exercise and take good food. We must exercise and eat healthy food every day to make our bones and muscles strong. Okay? Strong bones and muscles allow us to work and play without feeling tired. बिना थके आप play कर सकते हैं अगर आपके bones और muscles strong है तो. We should get enough sleep to remain healthy. ये भी important है. हमारी body को enough sleep भी चाहिए.
ओके, एटलीस्ट 8 आवर्स, 8 आवर्स हमें सोना चाहिए, तो ही हमारी बॉडी हेल्दी बनती है। ओके चलो, तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे अपने बोन्स के लिए, राइट। देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर है, जैसे कि हमारा फेस है, उसे मूवमेंट देना है, बराबर। तो अलग अलग जॉइंट्स, तो नेक जॉइंट्स, दैट इज आल्सो वन काइंड ऑफ बोन्स, बराबर। पर वहाँ पे अगर मसल्स है तो उसे मूवमेंट मिलेगी, राइट। फिर रिस्ट जॉइंट, ओके, हाथों की रिस्ट जॉइंट, जहाँ पे रिस्ट वॉच पहनते आपके मम्मी या डैडी, ओके। फिर एल्बो जॉइंट, एल्बो हमारे हाथ में, हाथ ऐसे बेंड होता है ना, तो कोनी का जो होता है उसे कहते हैं एल्बो जॉइंट्स, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट बोन्स एंड मसल्स, और उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम क्या करेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज एंड ईट हेल्दी फूड। नाउ पोस्चर, यस दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज वो सब तो जरूरी है, बट पोस्चर। देखिए एक बच्चा, ये देखो ये बच्चा कैसे बैठा है और ये कैसे बैठा है, ओके, दे आर रीडिंग, बट दिस इज द राइट पोस्चर, ओके। ये जैसे बैठा है वैसे बैठना है, बिकॉज देखो आप रेगुलर ऐसे, ये जो बैठा है ऐसे बैंड होके बैठोगे तो आपके बोन्स ऐसे बैंड होते जाएंगे, ओके। सो द पोजिशन ऑफ आवर बॉडी वैन वी स्टैंड, सीट एंड वॉक इज कॉल्ड पोस्चर। आप कैसे बैठते हैं, चलते हैं, ओके, और खड़े होते हैं, ये एक पोस्चर है। तो वी शुड ऑलवेज कीप अ स्ट्रेट एंड अपराइट पोस्चर, बराबर सीधा बैठना चाहिए। किसी को बहुत आदत होती है ऐसे, जब देखो तब झुके हुए ऐसे बैठते हैं या तो झुके झुके चलते हैं, दैट इज नॉट गुड। ए गुड पोस्चर हेल्प अस स्ट्रेट, स्टे हेल्दी एंड टू कीप आवर बॉडी इन प्रॉपर शेप। हमारी बॉडी को अगर प्रॉपर शेप देना है, वरना तो वो बैंड ऐसे होती जाएगी। किसी को आपने देखा होगा, ओके, जब वो चलते हैं तो वो ऐसे जैसे झुके हुए, तो उनकी बैक बोन जैसे ऐसे निकली हुई होती है, ओके, तो वो उनकी बुरी आदत की वजह से ऐसे होता है। सो दिस इज अ गुड पोस्चर एंड दैट इज अ बैड पोस्चर, ओके। तो हियर आवर चैप्टर इज ओवर, हमने चैप्टर में क्या क्या देखा अबाउट बोन्स एंड मसल्स। तो पहला वर्ड है, कीवर्ड कौन सा है, स्केलेटन, न्यू वर्ड हमने देखा स्केलेटन। तो स्केलेटन इज द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इन अवर बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन। जॉइंट, द प्लेस वेयर टू और मोर बोन्स जॉइन टूगेदर इट इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे दो या तीन बोन्स जॉइंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जॉइंट। पोस्चर, द पोजिशन ऑफ अवर बॉडी वेन वी स्टैंड, सीट एंड वॉक इट इज कॉल्ड पोस्चर, बराबर। तो हमने इस चैप्टर में क्या देखा, क्या लर्न किया, वी हैव लर्न अबाउट द बोन्स, देर आर मोर देन 200 बोन्स इन अवर बॉडी एंड देर आर 600, मोर देन 600 मसल्स इन अवर बॉडी, ओके। Bones are hard part and muscles are soft part. And our bones join together with the joints. Okay? So this is all about bones and muscles. And we should keep exercise and eat healthy.
हेल्दी फूड. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.